फिल्म की शुरुआत में वर्जीनिया के एक टाउन को दिखाया जाता है जहां पर हेलोवीन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा था। इस पूरे फेस्टिवल की लाइव रिकॉर्डिंग न्यूज रिपोर्टर कैलिन कर रही थी। सभी लोग अलग अलग तरह के रंग बिरंगे मास्क लगाए होते हैं। न्यूज कवर होने के बाद कैलिन जॉगिंग करती हुई जंगल की तरफ जाती है। वह काफी आगे तक निकल जाती है, तभी उसके सामने सतूत आ जाता है। उसे देखकर वह हंसती हुई आगे बढ़ जाती है। वह उसे देखकर नहीं डरती क्योंकि फेस्टिवल में कई तरह के लोग ऐसे मास्क लगाकर घूम रहे होते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे वन फिंगर मिलता है, उसे भी वह ब्लैक कॉस्ट्यूम कहकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन अब उसके सामने आ खड़ा होता है थ्री फिंगर। वह उसे आगे ही नहीं जाने देता। वह उन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कैलिन उसे उंगली दिखाती है जिसे थ्री फिंगर अपने चाकू से काट देता है। वह डर के मारे वहां से भागती है, तभी उसकी मदद करने के लिए एक आदमी आता है। वह कोई और नहीं बल्कि मेलार्ड होता है। वह उसकी मदद करने की बजाय उसे एक कुल्हाड़ी से मार देता है, जहां पर पता चलता है कि तीनों भाई उसी के लिए काम करते हैं। वह उन सबका बॉस होता है। तीनों भाई इसी के साथ रहकर इसी के लिए काम करते हैं। मेलार्ड एक तरह से उन्हीं की तरह होता है। वह एक सीरियल किलर होता है और उन्हीं की तरह ही लोगों को मारकर खा जाता है। उसके बाद वे कैलिन की बॉडी को अपने घर ले जाते हैं और उसे कई तरह से काटकर खा जाते हैं। वहीं ये दिखाया जाता है कि तीनों मेलार्ड से बहुत डरते हैं। वह उन्हें डांटता है क्योंकि वह सबूत को साफ नहीं करते। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पांच कॉलेज फ्रेंड उसी फेस्टिवल में भाग लेने के लिए जा रहे होते हैं। एकाएक उनकी कार के सामने मेनार्ड आ जाता है। उनकी कार बैलेंस खो देती है और आगे जाकर पेड़ से टकरा जाती है। वे सभी बाहर निकलते हैं। उधर मेलार्ड ऐसे शो करता है जैसे कि वह उसकी कार से टकराकर गिरा हो, जबकि बिली जो कार चला रहा था उसे पूरा विश्वास था कि कार ने उस आदमी को बिल्कुल भी टच नहीं किया है। फिर भी वे उसके पास जाते हैं। जैसे ही बिली उसे पलटता है वह उस पर चाकू से अटैक कर देता है। इस पर वे तीनों दोस्त मिलकर उसे मारने लगते हैं। इधर तीनों भाई झाड़ियों के पीछे से मेलार्ड को पिटते हुए देख रहे थे। वे तीनों भाई उस पर जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जो कि शेरिफ एंजेला और बिग होते हैं। एंजेला उन सभी को अरेस्ट कर लेती है और उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर एंजेला बिग को वहीं रुकने के लिए कहती है जब तक के टोल ट्रक न आ जाए। जैसे ही एंजेला उन्हें लेकर जाती है, वे तीनों भाई पुलिस ऑफिसर बिग पर हमला कर देते हैं और उसे वहीं पर मार देते हैं। इधर एंजेला जब सभी को जेल में बंद कर देती है तो बिली सारा इल्जाम अपने ऊपर लेकर अपने दोस्तों को आजाद करवा देता है। वे सभी दोस्त बगल के होटल में एक रूम ले लेते हैं। तभी एंजेला को पता चलता है कि मेलार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है। वे अपने अधिकारियों को इस बारे में बताती है। वे लोग उसे कहते हैं कि सुबह टीम आकर उसे ले जाएगी। इस पर मेलार्ड उसे कहता है कि सुबह तक तुम जिंदा ही नहीं बचोगी। एंजेला उसकी बात को मजाक में लेकर हंसती है। इधर फेस्टिवल खत्म होते ही बहुत से लोग वहां से चले जाते हैं। पूरा शहर खाली हो चुका था। इधर तीनों भाई अपने ट्रक के साथ आते हैं और सबसे पहले वे टेलीफोन लाइन के खंबे को गिरा देते हैं, जिसके कारण सभी मोबाइल्स और फोन के सिग्नल गायब हो जाते हैं। इसके बाद वे तीनों भाई बिजली घर की तरफ जाते हैं जिससे कि शहर की लाइट को काटा जा सके। वे वहां पर बिजली को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं कि तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है। वे उन्हें रोकने आता है लेकिन वे उसे भी उन बिजली की तारों में फंसा कर बुरी तरह से मार देते हैं, जिससे शहर की बिजली चली जाती है। इधर एंजेला बाकी के पुलिस ऑफिसर से संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन सभी फेस्टिवल की वजह से बिजी होते हैं। इधर बिली की फ्रेंड क्रूज उसे खाना देने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ निकलती है। उसे रास्ते में थ्री फिंगर मिल जाता है और वह उसके पीछे पड़ जाता है। वह अपनी जान बचाने के लिए काफी इधर उधर भागती है लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार डालता है। उसी के पास से जूलिया निकलता है लेकिन वह उसे नहीं देख पाता। वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है। वह कहता है कि वह तो उसे काफी पहले ही निकल चुकी थी। इधर होटल में लिटा शावर लेने के लिए जाती है, तभी वहां सातुर आ जाता है और वह उसके फ्रेंड गस को पकड़ लेता है। लिटा आवाज सुनकर बाहर आती है तो वन आई उस पर अटैक कर देता है। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है। तभी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बिली सोचता है कि शायद क्रूज हो, लेकिन जब एंजेला दरवाजा खोलती है तो वहां पर उसका हस्बैंड होता है जो कि उसे खाना देने आया होता है। वह खाना देकर वहां से चला जाता है। इधर तीनों भाई गस को हथौड़े से मार मार कर उसकी टांगे तोड़ देते हैं। इसके बाद वे उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देते हैं। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। बिली और जूलियन उसकी आवाज को पहचान जाते हैं। एंजेला जब उसकी मदद के लिए बाहर जाती है तो तीनों भाई उसके सामने ही गस पर अपना ट्रक चढ़ाकर उसे बहुत दर्दनाक मौत देते हैं। ये सब एंजेला के सामने होता है।
होता है और वह कुछ भी कर नहीं पाती। उसके बाद एंजेला गस की लाश को साइड में कर देती है और पुलिस स्टेशन के अंदर चली आती है। वह हालात को समझ जाती है कि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वे लोग दोबारा जरूर आएंगे। वे बिली, जूलियन और एक कैदी को गन देकर तैयार रहने को कहती है। बिली क्रूज को खोजने के लिए कहता है, लेकिन एंजेला उसे मना कर देती है और पुलिस स्टेशन की सुरक्षा करने के लिए कहती है। वह हिम्मत करके बगल के स्टोर पर जाती है और वहां पर रखे जनरेटर को स्टार्ट करती है। साथ ही बड़ी मुश्किल से किसी से संपर्क करके बैकअप टीम के लिए कहती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़का होता है, वह सोचता है कि कोई उसे मूर्ख बना रहा है और वह उस बात को सीरियस नहीं लेता। तब तक लिटा भी किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाती है। दूसरा कैदी बिना सोचे समझे गोली चला देता है। एंजेला गोली की आवाज सुनकर वहां पर जाती है। संयोगवश लिटा सुरक्षित होती है। वह उसे अंदर लेकर चली आती है। वहां पर बिली उसे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। कुछ देर बाद बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी दूर पर उसे क्रूज की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर बिली गुस्से में आ जाता है। तभी थ्री फिंगर वहां पर आ जाता है। वे दोनों उसके पीछे भागते हैं। आगे जाकर वे दोनों थ्री फिंगर के ट्रैप में फंस जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब बिली को होश आता है तो अपने आप को एक फुटबॉल के मैदान में पाता है। उसका सारा शरीर जमीन के नीचे धंसा होता है, सिर्फ सिर जमीन के बाहर होता है। साथ ही वहीं पर जूलियन भी जंजीरों से बंधा होता है। वे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी थ्री फिंगर एक बर्फ काटने वाला ट्रक लेकर आता है। ट्रक से वे बिली की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर बिली समझ जाता है कि अब उसकी मौत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। लेकिन वह उसे थोड़ी देर और तड़पाता है, फिर एकाएक पीछे की तरफ से उसके सर को फोड़ देता है। उसके बाद वह जूलियन की तरफ बढ़ता है। जंजीर से बंधा होने की वजह से वहां से वह भाग नहीं पाता। थ्री फिंगर उसे भी दर्दनाक मौत देता है। इधर पुलिस स्टेशन में काफी समय बीत जाता है और दोनों वापस नहीं आते। एंजेला उस दूसरे कैदी को अपनी गाड़ी में भेजती है और कहती है कि वह शहर जाकर मदद लेकर आए। वह कार से आगे बढ़ता है। जैसे ही वह स्टेशन पहुंचने वाला होता है, उसकी कार एक ट्रैप की वायर में फंस जाती है, जो वह देख नहीं पाता। उसकी कार उस तार में फंस कर खाई में गिर जाती है। तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन की साथ वाली दुकान में लेकर जाते हैं। वहां पर वह उसे एक ड्रम में डालकर नीचे से आग लगा देते हैं, जिससे कि वह जोर जोर से चीखने लगता है। एंजेला को उस कैदी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। एंजेला जब उस दुकान तक पहुंचती है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है। एंजेला जोरदार धमाके से पीछे की तरफ जा गिरती है। इधर पुलिस स्टेशन में लिटा अकेली होती है। तब मेलार्ड लिटा को लालच देता है कि अगर वह उसे यहां से बाहर निकालेगी तो वह उसकी जान बख्श देगा। लिटा उसकी बातों में आ जाती है। वह उसे निकाल देती है। बदले में मेलार्ड उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। लिटा चिल्लाती हुई बाहर आती है। वहां पर एंजेला होती है। पीछे से मेलार्ड भी आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मेलार्ड फायर करता, एंजेला उसके कंधे पर गोली चलाकर उसे घायल कर देती है। वह उन दोनों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर चली आती है। वह मेलार्ड को बंद करके खुद मदद के लिए बाहर जाती है। जब वह बाहर निकलती है तो उसे एक कार दिखाई देती है। उसमें एंजेला का हस्बैंड होता है। थ्री फिंगर ने उसे ट्रैप में फंसाया होता है। वे अपने पति को छुड़ाने के लिए जैसे ही कार का दरवाजा खोलती है, एक चाकू उसके हस्बैंड को बीच से चीरता हुआ निकल जाता है। तभी थ्री फिंगर अपनी ट्रक से कार को जोरदार टक्कर मारता है। एंजेला दूर हट चुकी होती है, इसलिए वह बच जाती है। तभी थ्री फिंगर ट्रक से निकलकर उस पर अटैक कर देता है। वह उसे बहुत बुरी तरह से मारकर घायल कर देता है। इधर मिलार्ड लिटा को कहता है कि वह उसे पूरी जिंदगी टॉर्चर करता रहेगा। ये सब सुनकर लिटा घबराकर वहां से भाग जाती है। इधर जब एंजेला को होश आता है तो वह अपने आप को पुलिस स्टेशन में बंधी हुई पाती है। तीनों भाई पुलिस स्टेशन को आग लगाने के लिए चारों तरफ पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। इसके बाद मेलार्ड उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारे पास मरने की दो चॉइस हैं, एक आसान मौत और एक दर्दनाक मौत। अगर वह आग में जलकर तड़प कर मरना चाहे तो उसकी मर्जी है। हाँ, अगर आसान मौत चाहिए तो उसके सर पर एक शॉट गन है, जिसका ट्रिगर उसके पैर में है। जैसे ही वह अपनी एड़ी नीचे रखेगी, वह शॉटगन चल जाएगी। ये कहकर वह पुलिस स्टेशन में आग लगा देता है। जैसे ही वह बाहर निकलकर अपने ट्रक में बैठता है, उसे शॉटगन की आवाज सुनाई देती है। वह मुस्कुराता है और समझ जाता है कि एंजेला ने कौन सी मौत चुनी है। इधर लिटा चलते चलते एक रोड पर आती है। तभी उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वह मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। वह इन्हीं तीनों भाइयों का ट्रक होता है। थ्री फिंगर नीचे आता है और लिटा को उठाकर ट्रक में बैठा देता है। अंदर मेलार्ड लिटा को वेलकम कहता है। वह जोर से चीखने लगती है। इसी के साथ इस फिल्म का अंत हो जाता है। दोस्तों, ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। आगे भी ऐसी फिल्म की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।